क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। मीडिया वाले पूरा बोला भी काम रहा था। भाई पैसा नहीं, देखो अभी अब हम जाके बात कर रहे हैं। मतलब अगर बात करने के बाद तुमने बोला कि हमें हरेक जना लगा रिपोर्ट बात कर रहे हैं, मैं सबको फॉरवर्ड करता हूँ, समझ गया ना? जो कंप्लेंट लिखा है सबको व्हाट्सएप करता हूँ। चलो बात चलो लिखने के बाद अपना लाइन सबको सेंड कर दो। चलो चलो देख लिया हमारे बेट साहब, आप कंप्लेंट लिख दो पहले। साइड आऊं का पहले साइड आऊं का पहले आप ना हाँ जा रही है किशन कुमार नाम है। कंप्लेंट कौन दे रहा है? राजा तुम उन लोगों को आगो जरा सबर कर लो, पांच मिनट। स्लोगन का रेस्ट वेस्ट है, हम आए एक्शन लेने के तैयार थे, पक्का एक्शन लेते हम। हमारे ऊपर भरोसा नहीं है कि आपको कानून के ऊपर पूरा भरोसा है सर, भरोसा है हमारे ऊपर। थोड़ा टाइम दे दो, टाइम दिया थोड़ा टाइम। मेरे मेरे बात पूरा सुनिए, उन्हें पूरे हिंदुस्तान में भी, उन्हें पूरे हिंदुस्तान में भी गया तो आप लोग पकड़ के ले जाते, मगर नबी के आगे कोई कम नहीं। हमारे को कुछ टाइम दे, मेरी औलाद कुर्बान है नबी, टाइम दे ना, मेरी औलाद कुर्बान भाई। आप आओ आज सारे का दोनों पहले से भाई सर, आप कंप्लेंट देने को टाइम रहना 5-10 मिनट, हमें एक्शन लेने को भी टाइम रहना पड़ता ना सर। पर आपका आप ऐसा गड़बड़ करें तो कैसा है? नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल भाई, अपन पहले कंप्लेंट करेंगे। दूसरा वाला एरिया वाला को भी आया बोल के, इधर क्या काम है इधर मेरे? हाँ गड़बड़ कर लैंड प्रॉब्लम करने को लिए आए क्या? नहीं नहीं सर, मगर हम ऊपर भरोसा रखो, भरोसा ऊपर रखे तो एक्शन लेते हैं। बोलिए कब तक से मिलेगा?
कब तक चलेगा जो गुस्सा जब तक शैतान ना रहते जब तक होता है नहीं नहीं बेटा आप लोग हटे तो कुछ आगे कार्रवाई होती है आप लोग पूरी उसको कौन पकड़ेंगे चलो मेरे को नहीं बोलिए एक जन ने बोला इसके साथ और एक जन हाव करके क्या कर सकते हैं सारे पूरे रिमाइंडर नाम है नहीं देखिए बस करो आप माइक रेडी करो मैं एक आदमी को ला दूंगा बुझा मेरे सर कैसा चल रहा है नबी की एक ही सदा दर से जुदा दर दर से जुदा दर नबी की एक ही सदा दर दर से जुदा दर दर से जुदा चलो भाई निकलो भाई सब चलो भाई जरा बाहर जाओ भाई चलिए कोई रहने नहीं यहाँ पे पहले ये टीवी वाला सब आगे सबको बढ़ाया ना सब आगे सबको साहब की नौबत फोन कर दिए क्या हो रहा कुछ भी ना का बोला मैं क्या किया घर में खाने को बैठा हुआ ऐसा हो रहा मुझे फट रहा चलना कोई नहीं दिख रहा लोग घरों में चले जाना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु असद साहब की नसीब मिलत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहने पर हम लोग यहाँ पे आए उनकी हिदायत के ऊपर पीएस रेन बाजार आए यहाँ पे कुछ पब्लिक जमा थी वो एक शरपसंद अनासिर जो है सो हुजूर की शान में कुछ गुस्ताखी किया था यहाँ पे दोनों फिरकों के लोग जमा हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आयबाद हालत को पूरा खाबो कर लिए फायर करा दिए रहमतुल्लाह बरकातहू असद साहब की नसीब मिलत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहने पर हम लोग यहाँ पे आए उनकी हिदायत के ऊपर पीएस रेन बाजार आए यहाँ पे कुछ पब्लिक जमा थी वो एक शरपसंद अनासिर जो है सो हुजूर की शान में कुछ गुस्ताखी किया था यहाँ पे दोनों फिरकों के लोग जमा हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आयबाद हालत को पूरा खाबो कर लिए फायर करा दिए ये एक्नॉलेजमेंट है बराबर जानने की बात नहीं है जाने जाना तो हम किसी के हाथ में भी नहीं है एफआईआर डीसी से बताइए जाएंगे एफआईआर कॉपी दे दो ना सर प्लीज कोई तो भी एक आदमी बात करना थोड़ा दूर हटा एक लेटर लिख के लेटर लिख के कोर्ट का परमिशन ले जी सर परमिशन आने के बाद किसको वो बंदे भी हमारे को और हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम यहाँ पर ठहर के प्रोटेस्ट कर सके आपका कोई राइट्स नहीं हमको नहीं है अनलॉफुल है बोलने के लिए सबसे पहली चीज सर सेकंड चीज क्या है अगर हम हमारे पास अगर अब खामोश बैठेंगे इससे पहले यतीन आरसा में कुत्ते के बच्चे का हुआ महाराष्ट्र का वहां पर हुआ तो 100% हमारे जो है पॉलिटिकल लीडर्स जाके रिप्रेजेंटेशन ये अल्लाह का ये
एफआईआर करिए यहाँ पर बताइए, फिर सेकंड टाइम हम जब प्रोटेस्ट करेंगे एफआईआर का। सुनिए अच्छी बात है बहुत, कंप्लेंट ली है ना, कंप्लेंट की एक्नॉलेजमेंट कॉपी एफआईआर क्या होता है, प्रोटेस्ट करेंगे बराबर करेंगे, कल से करेंगे प्रोटेस्ट, जब तक उन्हें अरेस्ट नहीं हुआ जब तक हमको खामोश बैठना तो नहीं है, पूरी सीधी बात है। एफआईआर कोर्ट जो आप बोल रहे हैं जो कर रहे हो आपका सुनना हमारा भी नहीं, साहब बोलो आप ही बोलो साहब, 10 बजे तक आ जाओ। एक मिनट एक कुत्ता पालने वाला कुत्ता भाग गया, कुत्ता को पकड़ना, कुत्ता तो भी अच्छा है। सुबह सुनो यार, सुनो भाई, कोई भी जानवर समझ गया मैं एक बात बोल देके कोशिश में भाई पूरे मेरे पास आओ, मैं आपको अपडेट देता हूँ क्या हुआ। देखो भाई ठीक है, देखो भाई 10 बजे तक का टाइम मिला, चलो हम लोग जा रहे हैं, आप लोग तो जाके बोल रहे हैं रही बात, जब बात अपनी आई एफआईआर की तो डीसीपी साहब बोले कि एफआईआर को कोई कंडीशन रहता होने का, कुछ कोर्ट को अप्लाई करने का रहता, हमको एफआईआर से हमको लेना देना नहीं है, मैं खुली तौर पे बोल रहा हूँ आपको, आप क्या करते करिए साहब, मैं आपको पुलिस स्टेशन के सामने ढके बोलो, आप वहाँ क्या करते करिए, जब तक उसको पकड़ के सजा नहीं दी गई जब तक हम खामोश बैठने वाले नहीं। हैदराबाद भर में हम बताएंगे, बताएंगे भाई, बेशक बताएंगे। अब बात बनेगी, कल सुबह 10 बजे तक के पुलिस टाइम दी हमारे को, पकड़ के लेकर आएंगे, अगर नहीं लेके आए, सुनो मेरे भाई, अगर 10 बजे नहीं लेके आए पुलिस वाले या 10 से 11 बजे तक भी नहीं लेके आए पुलिस वाले, तो आप अपना खुद का फरीजा बनता भाई, अपने ईमान की जज्बे को जगाओ, अपने क्योंकि ये जिंदगी जी रहे उसके सदक में, अपना जमहूरी हक जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, पुलिस के स्टेशन के सामने आके अपना धरना देंगे और बेझिझक होके ये जान मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ भाई, फिर बोल रहा हूँ मैं कोई सियासत ना होंगे ऐसा जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप लोग 10 बजे कराइए, अगर उसको नहीं पकड़े तो पीसफुल जो अपने को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से जो जो धरना देना है वैसा धरना देंगे हैदराबाद में, फिर बोल रहा हूँ आपको यहाँ कुछ में नहीं होना, कल सुबह 10 बजे अपन यहाँ पर जमा होंगे, जितने
जितने भी मेरे मुसलमान भाई आए इधर पूर्व से गुजारिश कर रहा हूँ, कल आ जाओ सुबह 10 बजे आओ यहाँ पर पुलिस से बात करनी है, हम यहाँ पर से पीसफुल करोगे जाओ मेरे भाई। देखो रातों में जग के जमावड़ा करके उनको भी तकलीफ मत दो, उनको भी तकलीफ मत दो। गुड मॉर्निंग, आज यहाँ रेन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट में हमारे पास एक कंप्लेंट आई है जिसमें पता चला है कि किशन बोल के एक जो लड़का है उसने अपने इंस्टाग्राम में एक कम्युनल नेचर का स्टेटस अपडेट किया है जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स के अगेंस्ट एनिमिटी फैलाने वाले एक दोस्त ने पिक्चर्स और मैसेजेस शेयर किए हैं। उस लड़के को हम ढूंढ रहे हैं और इस हरकत के खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी, पर ये जो हरकत है उससे रिलेटेड कुछ रूमर्स फैल जाने से यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के बीच गलत फहमी पैदा हुई है कि इसमें दोनों साइड से कोई गलत इंटेंशन है क्या, बट इमीडिएटली पब्लिक को हमारे ऑफिसर्स ने कन्विंस किया है दोनों साइड्स के और पब्लिक कन्विंस भी हो गई है और जो हमारा अमन चैन और शांति का माहौल है वो पब्लिक के कोऑपरेशन से और हमारी पुलिस की निगरानी में हम लोग बनाए रखेंगे और इमीडिएटली जो ये किशन है इसको पकड़ के हम इस पर एक्शन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोग रैन बाज़ार पीएस आए हैं, यहाँ पर आने का मकसद एक ही है, रैन बाज़ार पीएस आने का मकसद ही एक ही है। यहाँ पर एक हिंदू बच्चा रहता है किशन कुमार बोल के नाम है, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ये फोटोज डालता है और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। हम इसके लिए यहाँ पर मंदिर के ऊपर एक तीर मार रहे हैं, सो फोटो बताते मस्जिद के ऊपर तीर मार रहे हैं, सो फोटो बताकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए ये हर वक्त आए दिन ये हमारे मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर पुरामन माहौल के साथ, माहौल को ख़राब करने के लिए नहीं आए हम लोग, हम पुरामन माहौल के साथ यहाँ पर रैन बाज़ार पीएस आए हैं। हमारा मुतालबा एक ही है, उसको अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त मुकदमे डालकर उसको अंदर किया जाए, क्योंकि ये आने वाले वक्त पे बहुत बड़ा साजिश करने का वाकया पेश कर रहे हैं लोग। और एक है, हम यहाँ पर जो किशन कुमार है उससे जब बात करने के लिए हम आए हैं तो उसके बाद क्या बाजूक वाला साथी कहता है, वो भी हिंदू है, वो भी कहता है कि फिर हम और एक मर्तबा डालेंगे, क्या कर सकते कर लो। हम भी वहाँ पर भी माहौल को ख़राब होने नहीं दिए, माहौल को पुरामन कर हम वहाँ पर रैन बाज़ार पीएस के नौजवानों को बुलाए हैं, यहाँ पर आके हम लोग कंप्लेन दे रहे हैं, पुलिस वाले और उसको भी भगा दिए। अभी तक एक्शन कुछ भी नहीं हुआ, एक डेढ़ घंटे से हम लोग रैन बाज़ार पीएस के पास है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हमारे मुतालबा एक ही है कि उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको सख्त से सख्त मुकदमे डालकर उसको अंदर करना चाहिए, हमारा मुतालबा एक ही है। उसके साथ जो जो है, उसके साथी जो जो है, उसको भी अरेस्ट कर अंदर डालना चाहिए। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे तकबीर।